दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल रिलीज होने वाली जूनियर एनटीआर सर की देबरा पार्ट वन की अब तक की एडवांस बुकिंग के बारे में, कि इस फिल्म ने अभी तक टोटल एडवांस बुकिंग से कितने करोड़ रुपए कमा लिए हैं, और बात करेंगे फिर से रिलीज होने वाली इंडियन सिनेमा इतिहास की अब तक की सबसे यूनिक और सबसे बेहतरीन फिल्म तुम्बाड़ की 14 दिन की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कल रिलीज होने वाली जूनियर एनटीआर सर की देबरा पार्ट वन की अब तक की एडवांस बुकिंग के बारे में, कि इस फिल्म ने अभी तक टोटल एडवांस बुकिंग से कितने करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दे कि इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपया है, और इस फिल्म का एडवांस बुकिंग विदेशों में बहुत पहले ही खुल चुका है, और अपने इंडिया भर में इस फिल्म के एडवांस बुकिंग को खुले हुए आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं, और इस फिल्म का अभी तक पूरे इंडिया भर में 14,706 शोज खुल चुके हैं, और इस फिल्म के अभी तक टोटल 10,83,487 टिकट बिक चुके हैं, और इस एडवांस बुकिंग से इस फिल्म ने अभी तक टोटल 27,73,00,000 रुपए की कमाई कर ली है आज 26 सितंबर के दोपहर के 12 बजे तक। तो दोस्तों, जिस तरह से ये फिल्म एडवांस बुकिंग से तगड़ी कमाई कर रही है, इस हिसाब से ये फिल्म कल अपने पहले दिन इंडिया भर के बॉक्स ऑफिस से 50 से 60 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है, तो पूरे दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। पर दोस्तों, आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में जाने वाले हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये दोस्तों, बात करें फिर से रिलीज होने वाली इंडियन सिनेमा इतिहास की अब तक की सबसे यूनिक और सबसे बेहतरीन फिल्म तुम्बाड़ की 14 दिन की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दे कि ये फिल्म पहली बार 12 सितंबर 2018 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म का बजट सिर्फ 5 करोड़ रुपया था, और ये फिल्म उस समय अपने पहले दिन इंडिया भर के बॉक्स ऑफिस से सिर्फ 65 लाख रुपए की ही कमाई की थी, और इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 13,57,00,000 रुपया हुआ था, और ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी। पर दोस्तों, जब ये फिल्म ओटीटी पे रिलीज हुई तो इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया, और इसीलिए इस फिल्म को अब फिर से थिएटर्स में रिलीज किया गया है, और इस बार इस फिल्म ने अपने पहले दिन ही इंडिया भर के बॉक्स ऑफिस से 1,65,00,000 रुपए की शानदार कमाई की। तो इस फिल्म ने कल अपने 13वें दिन भी इंडिया भर के बॉक्स ऑफिस से 1,01,00,000 रुपए की कमाई की, और इस तरह से इस फिल्म ने इस बार सिर्फ 13 दिन में ही इंडिया भर के बॉक्स ऑफिस से 24,67,00,000 रुपए की कमाई कर ली थी, जिसके बारे में आज इस फिल्म के प्रोड्यूसर एंड एक्टर सुमन सासर ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्टर शेयर करके दर्शकों को बताए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये फिल्म आज अपने 14वें दिन इंडिया भर के बॉक्स ऑफिस से 1,20,00,000 रुपए की कमाई कर रही है। तो इस तरह से इस फिल्म का 14 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 25,87,00,000 रुपया हो जाएगा, और पहले की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मिला दिया जाए तो इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 39,44,00,000 रुपया हो जाएगा, और इस फिल्म का बजट सिर्फ 5 करोड़ रुपया है। तो इसलिए दोस्तों, ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट हो चुका है, और इस फिल्म को देखने के लिए जितने भी दर्शक थिएटर्स में जा रहे हैं, इनमें से सभी दर्शकों को ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर देखिए, क्योंकि ये इंडियन सिनेमा इतिहास की अब तक की सबसे यूनिक और सबसे बेहतरीन फिल्म है, जो आप सभी दर्शकों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और अगर आप सभी लोगों ने इस फिल्म को पहले ही देख चुके हैं तो आपको ये फिल्म कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।